शंकर नेत्रालय, और ये देख सकते हो पूरा ही है शंकर नेत्रालय। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का सुबह जो है मैंने किया है चेन्नई से स्टार्ट। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूं, रेडी हो गई हूं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरे पापा का ऑपरेशन होना है ग्लूकोमा का, तो जिसके लिए मुझे जाना है चेन्नई पापा के साथ। तो मैं आ गई थी 2 दिन पहले चेन्नई, और सारा चेकअप वेकअप हो गया है पापा का। तो आज है फाइनली पापा का 11 बजे ऑपरेशन, और बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। तो वैसे एक ही अटेंडेंट अलाउड था, इसीलिए मैं ही सिर्फ आई हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ही अपने पापा के साथ जाऊँ, और जैसे जो हो मैं खुद से करूँ सब कुछ। और मिस्टर झा की शेड्यूल भी बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने बोला क्यों ही परेशान करना, जब मैं सब कर सकती हूँ तो मैं ही जाऊँगी। तो 2 दिन मेरा कैसे बीत गया डॉक्टर के चक्कर काटने में पता ही नहीं चला, आना जाना कर होता था। और पेशेंट सबको देखे ना मैं बहुत ही ये हो गई थी, मन मेरा उब गया था। तो कल हम लोग चले गए थे मरीन बीच पे मरीना बीच घूमने के लिए, और क्या मस्त बीच था वो, बताने से सुबह सुबह का टाइम है बहुत ही अच्छा लग रहा है। 6 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि 7 बजे जो है ना मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। और यहाँ जो मेरे पापा का चेकअप हो रहा है वो हो रहा है शंकर नेत्रालय में, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से आपको जो है चेकअप करेंगे, बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। सारे जो डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ साथ जो नर्स है वो भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है। तो काफ़ी अच्छा है, और इजीली हो जा रहा है सब कुछ, मैनेज करना बहुत ही आसान है। और शंकर नेत्रालय के पास ही हमने जो है ना घर भी ले लिया है, जिससे कि जो है आराम हो, जितना दिन भी रुकना पड़े रुके, और आने जाने में जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारा रूम, और पापा गए हुए हैं अभी चाय पीने के लिए। जैसे ही आते हैं वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि आज होना है पापा का ऑपरेशन। ऑलरेडी पापा का जो लेज़र ऑपरेशन एक हो चुका है, क्योंकि एक ही आँख में दो प्रॉब्लम है, एक ग्लूकोमा का एक मोतियाबिंद का, तो दोनों ऑपरेशन होना है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, वो आपको मेरे ब्लॉग में तो देखने को मिलेगा ही। 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बनाने का, क्या ही पेशेंट वगैरह को दिखाना, हॉस्पिटल को दिखाना। बट हाँ, आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पापा का सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है। तो मैंने सोचा जो आज तो मैं बनाऊंगी, जिससे कि याद रहे कि किस तरह से हम लोग आए थे, कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ। तो इसलिए एक छोटा सा ब्लॉग मैंने सोचा है कि बनाऊंगी। और ये है हमारा रूम, जिसमें कि 2 बेड है, एक एसी है, एक टीवी है, एक वॉशरूम है। बस यहीं से शुरू है और यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। और ये रूम भी ना यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही हमें चाहिए था, ज़्यादा दूर नहीं चाहिए था, क्योंकि चेन्नई का बिल्कुल भी हमें नॉलेज है नहीं कि हम बहुत दूर ले रूम और इसके बाद से ट्रैवलिंग करें। तो इस वजह से हमने एक बहुत ही पास में रूम लिया, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो काफ़ी अच्छा मिल भी गया है और सही है। रहना है 1 वीक यहाँ पे अभी, और तो देखते हैं और डॉक्टर क्या बोलता है। वैसे तो अभी तक तो 1 वीक बोला हुआ है, तो पापा भी गए हुए हैं चाय पीने के लिए, मैं भी हो गई हूँ रेडी। अब निकलते हैं 11 बजे, जैसे कि सर्जरी है तो हमें टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, और आगे आपको दिखाएंगे कि क्या सब होता है पापा का, किस तरह से सर्जरी होता है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वहाँ पे रुकना होता है मेन। तो मैं और पापा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि एक अटेंडर ही यहाँ पे अलाउड है, इस वजह से मैं ही आई हूँ पापा के साथ, मिस्टर झा को मैंने आने नहीं दिया। तो निकलती हूँ हॉस्पिटल और मिलते हैं हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं शंकर नेत्रालय, और ये देख सकते हो पूरा ही है शंकर नेत्रालय। और अभी हम लोगों को जाना है ओपीडी वार्ड में, तो चलिए चलते हैं। चलो चलो, हेलो माइको ब्लॉग।
तो ऑपरेशन के प्रोसेस के लिए ना सारा सबमिट हो चुका है पापा का, और अभी जो है पापा को सिर्फ चाय पीना था और मुझे करना था ब्रेकफास्ट। तो अंदर ही कैफेटेरिया और कैंटीन दोनों चीज़ ही है, तो हम लोग आ गए कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए और पापा जो है चाय पी लेंगे। तो ये है इनका कैंटीन, बहुत ही अच्छा सा, और इसमें आपको साउथ इंडियन जो है सारा खाना मिल जाएगा, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो मैंने अपने ले लिया यहाँ पर डोसा, पापा ने ले लिया अपने लिए चाय, और जल्दी से मैं फटाक से जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और पापा का ऑपरेशन होना है 11 बजे, तो जाके जो है वहाँ पे ऑपरेशन रूम होता है उसमें पापा को जाके अपना चेंज करके जो है बैठना है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या सब होना है। और ये देखिए आप, कितने सारे लोग जो है अपने आँख के प्रॉब्लम से परेशान है, यहाँ पे सारे चेकअप के लिए आए हुए हैं। किसी का ऑपरेशन है तो किसी का चेकअप है। 6-6 महीने के बच्चे लोग ना यहाँ पे आते हैं ऑपरेशन के लिए, तो देख के तो मेरा दिल मतलब कि ये हो जा भर गया था इतने छोटे छोटे बच्चे को देख के। तो अब पापा को लेके आ गए हम लोग रूम में, यहाँ ये बेड मिला है पापा को, बेड नंबर 6। तो ये जितने भी लोग हैं सभी का जो है आज ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेशन होना है। पापा ने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि पापा का अब नंबर है, ऑपरेशन होना है। तो इनको अब लेके चलेंगे ऊपर, आएंगे लेके जाएंगे। और अभी से ना मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से उसने बोला है कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो घबराने के लिए नहीं, तब से मुझे और डर लगने लगा है। तो यहाँ पे पापा एकदम रेडी हो चुके हैं ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, और चूँकि पापा का लेफ़्ट आइज का सर्जरी होना है इसीलिए ग्रीन कलर का बिंदी जो पापा के लेफ़्ट आइज पे लगा दिया गया है। और यहाँ पे सारे लोगों का ऑपरेशन होना है, जितने भी बैठे हुए हैं ना ब्लू ड्रेस में, सभी का ऑपरेशन होना है। पापा को जो है अब लेने के लिए आ गया है ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। अभी जो है पूरे 1.5 आवर बीत गया, पापा अभी तक नहीं आए। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो फाइनली यहाँ पे जो है पापा आ चुके हैं, और पापा के फेस पे स्माइल देख के ना मुझे जो है अब सुकून मिल गया है कि पापा मेरे ठीक है। बहुत घबराहट हो रही थी और इतने कष्ट के बावजूद भी पापा के फेस पे स्माइल है, ये बहुत बड़ी बात है सीरियसली। तो पापा को अभी रेस्ट करने के लिए बोला है शाम तक, और पापा के लिए मैं जूस लेने के लिए आई हूँ, अभी कुछ खाना पीना नहीं है पापा को। तो पापा को जो है डिस्चार्ज मिल चुका है और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ ऑटो का जो पापा को घर लेके जाऊँगी, मतलब कि जहाँ पे हमने रूम लिया वहाँ पे। और अब हम लोग निकल चुके हैं रूम के लिए। तो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया पापा का बहुत अच्छे से, जितना कि हम डर रहे थे उतने ही अच्छे से हो गया भगवती की दया से। और अब घर पहुँचते हैं, रेस्ट करेंगे पापा पूरे 1 वीक यहाँ पे, उसके बाद ही बैंगलोर हम लोग जो जा सकते हैं। तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रखना है पापा को अभी। तो पापा अभी ठीक हैं, अच्छे हैं, और खाने पीने पे ध्यान रखना है, डस्ट सबसे दूर रखना है। तो घर चूँकि हमारा पास में ही है तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, हॉस्पिटल आने जाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इसीलिए पापा को अब घर लेके जा रहे हैं। बहुत हैप्पी हैं हम कि अच्छे से ऑपरेशन हो गया, जिसके लिए आए थे वो सक्सेसफुली हो गया। और हीयू को भी देखे हुए ना मुझे 4-5 दिन हो गए हैं उससे दूर रहे हुए, तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं हीयू को। वीडियो कॉल पे तो बातें हो जाती है बट बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए।